फैबुलस यू नो संडे, हम आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और संडे के दिन में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडिया में अभी बहुत ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत कम है कि जहाँ पे आपको एक 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 सुकून का एक सुकून मिले, एक गारंटी मिले, ऐसी अपॉर्चुनिटीज अभी इंडिया में बहुत कम है बिजनेस करने के लिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्पीड फोर्स के बारे में, ठीक है। तो हम आगे बढ़े, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे उसमें कंटेंट्स क्या रहेंगे, तो वी विल डेफिनेटली डिस्कस अबाउट ओवरव्यू ऑफ टू व्हीलर इंडस्ट्री, अभी ओवरव्यू डिस्कस करेंगे, देन विल इंट्रोडक्शन देंगे हमारे बारे में, कंपनी के बारे में, व्हाट इज स्पीड फोर्स, हाउ इट वर्क्स, यू नो कैसे काम करते हैं वी पीपल, हाउ इट वर्क्स, यू नो मार्केट पोटेंशियल अभी करंट सिचुएशन में क्या है, पहले क्या था उसका भी डिस्कस करेंगे, और वे फॉरवर्ड आगे हम क्या करने वाले हैं उसका पूरा डिस्कस डिटेल में करेंगे। तो अभी अगर करंट सिचुएशन की बात करें इंडिया की, तो टू व्हीलर इंडस्ट्री है इंडिया में वो सब्सटेंशियल ग्रोथ कर रही है सिंस लास्ट आई थिंक सो मेनी इयर्स, बट स्पेशली अगर हम आखिर के 6-7 साल पकड़े हैं, तो ये जो टू व्हीलर इंडस्ट्री है एकमात्र टू व्हीलर इंडस्ट्री है जो 12% से भी ज्यादा ग्रोथ किया है, 12% से भी ज्यादा का ग्रोथ रजिस्टर किया है और कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली सिंस लास्ट 6 to 7 years। नाउ इतना सारा ग्रोथ है फिर भी, इतना सारा कंसिस्टेंट ग्रोथ है फिर भी ये इंडस्ट्री के अंदर सेल्स एंड सर्विस में गैप है। नाउ आपको क्वेश्चन आएगा ऐसा गैप क्या है, इतना अगर इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है तो गैप क्या है, जो गैप है वो सेल्स एंड सर्विस में है, एंड दैट इज यू नो मैन्युफैक्चरर सर्विस रिडेम्पशन इज वेरी लो, दैट इज ओनली 20%। व्हाट इट मींस, इसका मतलब ये है कि जो मैन्युफैक्चरर्स जो सेल्स आउटलेट है जितने भी जो मार्केट में जितनी भी बाइक टू व्हीलर बेच रहे हैं उनका सर्विस रिडेम्पशन रेशियो सिर्फ 20% ही है। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे साल में यानी एक साल खत्म होने के बाद दूसरे साल में सिर्फ 20% ही बाइक 20% ही टू व्हीलर वापिस सेल्स आउटलेट में यानी OEM में आ रहे हैं, बाकी का 80% जो टू व्हीलर है वो मार्केट में बाहर फ्लोट हो रहा है यानी लोकल गैरेजेस वगैरह में जा रहा है। Why? Because these people are having, manufacturers are having, you know, largely focus on only and only on warranty services. यानी नए बाइक में सेल्स करने में ही उनका ज्यादा फोकस है, नॉट इन सर्विसिंग, राइट, सर्विसेज में इतना ज्यादा फोकस नहीं है। नाउ ये सर्विसेज जो बाहर जा रही है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या लोकल गैरेजेस है, लोकल गैरेजेस या नुक्कड़ पे या मोहल्ले में जो भी अपना एक छोटा सा गैरेज खोल के बैठा है वहीं पे पूरा सर्विस जा रहा है। बट दोनों का, जैसे मैंने आपको बताया कि मैन्युफैक्चरर का खुद का एक लिमिटेशन है, जैसे दिस पीपल आर मोर फोकस्ड ऑन यू नो वारंटी सर्विसेज यानी नया बाइक में, द सेम वे दिस पीपल आर हैविंग, लोकल गैरेजेस आर हैविंग यू नो लैक ऑफ प्रोफेशनल अप्रोच, दिस पीपल आर नॉट हैविंग प्रॉपर प्रोफेशनल सॉरी दे आर नॉट हैविंग द प्रॉपर प्रोफेशनल अप्रोच, दैट दिस पीपल आर नॉट यू नो कीपिंग देयर आउटलेट इन प्रॉपर हाउस कीपिंग, ठीक ठाक से नहीं होता है, वन मैन शो है, यानी वो बंदा वही CEO है, वही मैनेजर है, वही PUN है, वही मैकेनिक है, वही सेल्स वाला बंदा है, तो उनके खुद के बहुत सारे ऐसे यू नो लिमिटेशंस है। तो अगर हम बात करें अभी, तो ये मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ टू व्हीलर इंडस्ट्री बहुत सालों से वैसे ग्रो कर रही है, राइट, बहुत सालों से ग्रो कर रही है, बट लास्ट के 6-7 साल में जो 12% से जो भी ज्यादा ग्रोथ रजिस्टर किया है, तो उसके कारण मार्केट में एक पोटेंशियल क्रिएट हुआ है, इतना बड़ा पोटेंशियल क्रिएट हुआ है, ये जो आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो लास्ट के 6-7 साल के आंकड़े दिए है कि जिसमें 9 करोड़ बाइक बिकी है, ये 9 करोड़ बाइक का एक बाइक का सालाना हम 4 सर्विस करवाते हैं, 3 से 4 सर्विस होती है, तो 36 करोड़ सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल है, 36 करोड़ सर्विसेज आर अवेलेबल ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट। ये जो मैं आपको ये जो फिगर दिखा रहा हूँ वो एक साल पुराना है, आफ्टर पेंडेमिक,
ये फिगर और बढ़ गया है, यानी अपॉर्चुनिटी और बढ़ी है, यानी मार्केट पोटेंशियल और बढ़ चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट पोटेंशियल कितना बड़ा, कितना ह्यूज है, राइट। अभी और दूसरी चीज मुझे ये भी डिस्कस करनी है आपके सामने कि इकोनॉमी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है बहुत सालों से। अगर आप देखो तो 12-15 साल से, लास्ट के 12-15 साल से इंडियन इकोनॉमी का पूरा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जिसके कारण कस्टमर का एक्सपेक्टेशन लेवल जो है वो बढ़ चुका है। एक्सपेक्टेशन लेवल ऑफ द कस्टमर इज नाउ गोइंग हाई एंड हाई, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ चुका है और बढ़ता भी जा रहा है। एवरीवन वांट्स द स्टेट ऑफ आर्ट लेटेस्ट वर्कशॉप, यू नो, सबको ऐसा चाहिए कि एक बहुत बढ़िया वर्कशॉप चाहिए। एवरीबडी वांट नीट एंड क्लीन, नाइस लुकिंग, यू नो, एंड हाइजेनिक एनवायरमेंट वाला, पॉल्यूशन फ्री वर्कशॉप चाहिए, ठीक है। व्हाई, ये पेंडेमिक के बाद में तो दीज आर दी नेसेसिटी, जहाँ पे गंदा गंदी चीजें हैं या कोई ठीक ठाक किसी ने प्रॉपर हाउसकीपिंग नहीं किया हुआ है अपनी जगह का, या हाइजेनिक नहीं है, वहां पे लोग जाना कतराते हैं, नहीं जाते हैं। तो एवरीबडी वॉन्ट नीट एंड क्लीन, सब कुछ ठीक ठाक ही सबको चाहिए। एवरीबडी वॉन्ट्स, यू नो, कर्टियस स्टाफ चाहिए जो वहां पे काम करते हैं, ठीक है, एफिशियंट चाहिए बंदा, कॉम्पिटेंट चाहिए, यानी ऐसा बंदा नहीं चाहिए कि जिसको कुछ पता ना हो, एफिशिएंसी उसमें ना हो, कर्टियस भी चाहिए साथ में। तो ये कस्टमर इकोनॉमी ट्रांसफॉर्मेशन के कारण क्लाइंट के जो एक्सपेक्टेशन लेवल है इतना बढ़ चुका है कि यू नेवर नो कि कब कौन सा आदमी, कब कौन सा क्लाइंट, कब कौन सी चीज मांग ले, राइट। एंड वी मस्ट हैव टू रेडी फॉर ऑल दिस रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टॉप एंड बाइक अभी मिलना, मार्केट में अवेलेबल होना चालू हो चुका है, राइट। पहले क्या था, 60-70 हजार रुपए लेके अगर हम जाते थे तो टू व्हीलर मिल जाता था, अब हमको 80-90 हजार में मिनिमम बाइक, उसके मिनिमम पैसे से उतना से चालू होता है, और 3-4 लाख तक का टॉप एंड बाइक अभी मिलना चालू हो चुका है, राइट। कस्टमर एक्सपेक्टेशन क्या है, दिस कस्टमर्स आर ऑलवेज, सिंस लास्ट जो इकोनॉमी ट्रांसफॉर्मेशन के कारण जितना कस्टमर एक्सपेक्टेशन लेवल जो बढ़ा है, दे आर ऑलवेज ओपन फॉर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ऑल द कस्टमर्स, ऑल द क्लाइंट्स आर ऑलवेज ओपन फॉर लेटेस्ट एंड लास्ट टेक्नोलॉजी। दे वॉन्ट वेरी क्विक रिस्पॉन्स, वेरी वेरी क्विक रिस्पॉन्स, राइट। ऑलवेज दिस पीपल आर रेडी, ऑल दिस क्लाइंट्स आर रेडी टू पे फॉर सम एक्स्ट्रा सर्विसेस और केयर, राइट। एंड एवरीबडी वॉन्ट्स द ट्रांसपेरेंसी इन ऑल एस्पेक्ट, सबको ट्रांसपेरेंसी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप मेरा काम, मेरा जो प्रोडक्ट है, मेरा जो टू व्हीलर है वो कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, मुझे देखना है। सबका ये एक्सपेक्टेशन लेवल वहां तक बढ़ गया है, सबको ट्रांसपेरेंसी चाहिए, ये कस्टमर का एक्सपेक्टेशन है और ये वाजिबी भी है, राइट। एवरीबडी वॉन्ट्स, इफ आई एम बाइंग अ बाइक ऑफ लेट्स से 3 लाख रुपीज मेरे पास है, कोई बहुत बड़ा ब्रांड का बाइक लिया है, तो मैं किसी आदमी को ऐसे ही तो नहीं दूंगा, ही मस्ट बी एफिशियंट, ही मस्ट बी कॉम्पिटेंट जो मेरा बाइक को हाथ लगा रहा है, वो तो मैं यही चाहूंगा ना, राइट। एंड मेरे को ट्रांसपेरेंसी भी चाहिए कि वो मेरे बाइक के साथ क्या काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, वो मुझे देखना है। ज्यादातर लोगों का ये एक्सपेक्टेशन लेवल हो चुका है, आ चुका है, राइट। दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड फॉर इंश्योरेंस, देयर इज अ नीड फॉर, सॉरी, स्पीड फोर्स सर्विस विथ डिफरेंस। व्हाट वी आर गिविंग इज सर्विस विथ डिफरेंस, राइट, विथ नीट एंड क्लीन सर्विस एंड एनवायरमेंट, राइट, यूजिंग हाईटेक टूल्स। What we are giving, Speed Force क्या कर रहा है, सब कुछ दे रहा है with difference, service with difference. Now what is this service with difference is each and everybody in India are giving vehicle services. We are the first company in India that we are also giving customer services. I am using the word, we are the only company that we people are giving customer services. अभी इसका मतलब यह है कि आज तक हम देखते आ रहे हैं कि बहुत सालों से कि कहीं पे भी अपना नया बाइक अगर मैं ऑथोराइज वर्कशॉप में, यानी कि मैन्युफैक्चरर्स के पास सर्विस करवाने भेजता हूँ, दिस पीपल आर नॉट हैविंग इवन टाइम टू टॉक टू यू, इनके पास बात करने का भी समय नहीं होता है। ये लोग अपना सीधा गाड़ी आपका ले लेगा सुबह 9:30 बजे 9:30 को, एंड देन वो बताएगा कि विल इन्फॉर्म यू सर अकॉर्डिंगली, आपका जी नंबर आएगा तब आपको इन्फॉर्म करेंगे आपकी गाड़ी में क्या क्या काम करना है, कुछ नहीं, आपको वो गाड़ी छोड़ के चले जाना है। देन 5:30 बजे वो बोलेगा आप गाड़ी पिकअप करके लेके जाइए, गाड़ी आपका गाड़ी का काम हो गया, यू टू पे द बिल। एंड वहाँ कहीं कोई कस्टमर की कोई बात सुनता नहीं है,
कोई सर्विसेज कस्टमर को नहीं दे रहा है, तो वी पीपल आर गिविंग, वी पीपल हैव स्टार्टेड दिस सर्विसेज, मींस टू व्हीलर की सर्विसेज के साथ हम कस्टमर को भी सर्विस दे रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं विथ हाईटेक टूल्स यूज कर रहे हैं, एंड सर्विस एट योर डोर स्टेप, हम आपको आपके क्लाइंट को जो सर्विसेज देंगे, दैट वी ऑल्सो वी पीपल हैव स्टार्टेड पिकअप ड्रॉप सर्विसेज सिंस बिगिनिंग, हमने पिकअप ड्रॉप सर्विसेज दिए अभी तक, आज तक इंडिया में पिकअप ड्रॉप सर्विसेज सिर्फ फोर व्हीलर को ही मिल रहा था, वी पीपल हैव स्टार्टेड दिस सर्विसेज इन टू व्हीलर इंडस्ट्रीज, तो वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग पिकअप ड्रॉप सर्विसेज, एंड ऑफकोर्स ट्रांसपेरेंसी इन सर्विसेज, हम अपने सभी सर्विसेज में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हैं, इफ़ कस्टमर वॉन्ट्स टू सी, उनको अगर देखना है कि उसका बाइक सर्विस या रिपेयर होते हुए पूरा देखना है बैठ के, तो ही कैन सी डेट अवर आउटलेट एंड वो देख सकता है कि उसका बाइक कौन कर रहा है रिपेयर, कैसे हो रहा है, तो ट्रांसपेरेंसी भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सब कुछ दे रहे हैं रीजनेबल चार्जेस में, ये सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं रीजनेबल चार्जेस में, पॉकेट फ्रेंडली चार्जेस में, राइट। तो नाउ आई मस्ट हैव टू टेल अबाउट स्पीड फोर्स, तो स्पीड फोर्स क्या है, स्पीड फोर्स इज अ कंपनी हैविंग डिफरेंट स्किल सेट्स एंड वर्किंग एक्सपीरियंस, अलग अलग स्किल सेट्स एंड वर्किंग एक्सपीरियंस का वी हैव द कॉम्बिनेशन, स्किल्स सच एज व्हाट वी आर गिविंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, आफ्टर सेल सर्विसिंग, नेटवर्किंग, ब्रांडिंग, अकाउंट एंड फाइनेंस, वी हैव अवर सेपरेट टीम ऑफ ईच एंड एवरी स्किल्स, यू नो आफ्टर सेल्स के लिए हमारा अलग से टीम है, नेटवर्किंग का टीम है, सेल्स एंड मार्केटिंग का टीम है, ब्रांडिंग का है, अकाउंट फाइनेंस एंड टेक्निकल डिपार्टमेंट इज डिफरेंट, इन सब ये सभी जितने भी बंदे हमारे साथ काम कर रहे हैं, अगर मैं उसका एक्सपीरियंस कैलकुलेट करूँ तो इट वुड बी मोर देन 200 ईयर, 200 साल के ऊपर के एक्सपीरियंस वाले बंदे, अगर सबका एक्सपीरियंस अगर हम ऐड करें तो वो सब लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, सभी को अपने क्षेत्र में अपने उसमें कमांड है, यू नो दे पीपल आर हैविंग अ डोमेन नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। तो ये हुआ हमारे बारे में, हमारे स्पीड फोर्स के बारे में बात हुई, नाउ हम क्या करते हैं, व्हाट इज स्पीड फोर्स, स्पीड फोर्स है क्या, तो इट्स अ चेन ऑफ टू व्हीलर सर्विस स्टेशंस प्रोवाइडिंग ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड, मार्केट की डिमांड के हिसाब से हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे अभी आपको लगेगा अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड मीन्स व्हाट, नाउ अभी मार्केट ये डिमांड कर रहा है कि BS6 एंड अबव फ्यूल इंजेक्टर वाला गाड़ी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आना चालू हो गया मार्केट में, देन स्पीड फोर्स इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज रिलेटेड टू BS6 फ्यूल इंजेक्टर, अगर एडवांस फ्यूल इंजेक्टर वाला गाड़ी है या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है तो वो सब कुछ, जैसे वी आर हैविंग अ सेपरेट किट फॉर BS6 एंड फ्यूल इंजेक्टर टाइप ऑफ टू व्हीलर, उसके लिए सेपरेट किट हम प्रोवाइड करते हैं, इसके थ्रू आप वो गाड़ी का सर्विसिंग या रिपेयरिंग कर सकते हो। तो व्हाट आर वी प्रोवाइडिंग, वी प्रोवाइड पीरियोडिक सर्विसेज, मींस व्हाट, जो रेगुलर सर्विसेज होती है साल में 3-4 बार जो आप बाइक सर्विस करवाते हो वो हम प्रोवाइड करते हैं, माइनर मेजर रिपेयर्स, छोटा मोटा काम रहा या कोई मेजर काम रहा वो हम रिपेयरिंग सर्विसिंग करते हैं पूरा, एक्सीडेंटल रिपेयर, कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया अगर वो हमारे यहाँ पे आते हैं तो वी प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज रिलेटेड टू एक्सीडेंट एंड एवरीथिंग। बैटरी सर्विसेज, यू नीड नॉट टू गो आउट फॉर एनी बैटरी सर्विसिंग या कोई रिपेयर या नया डालना है, पुराना में कुछ काम करना है, वील डू इट, राइट। एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, AMC, हम एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट बहुत टाइम से ये फील्ड में बहुत अच्छा काम कर चुके हैं और कर रहे हैं, ठीक है। पिकअप ड्रॉप प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में वैल्यू एडेड सर्विसेज बहुत सारी है, पिकअप ड्रॉप में आई टोल्ड यू दैट वी आर द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया दैट वी हैव इंट्रोड्यूस दिस कंसेप्ट, राइट। इवन ब्रेकडाउन सर्विसेज, ये भी सर्विसेज जो ब्रेकडाउन सर्विसेज है ऑलवेज वो फोर व्हीलर को ही मिलती थी, ठीक है, अभी तक अगर देखा जाए तो, बट वी आर द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया दैट वी हैव इंट्रोड्यूस दिस सर्विसेज, ब्रेकडाउन सर्विसेज टू व्हीलर को दे रहे हैं। साथ में इंश्योरेंस सर्विसेज, मैंने गलती से शुरुआत में इंश्योरेंस बोल दिया बिकॉज इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंश्योरेंस सर्विसेज एक ही छत के नीचे आपको इंश्योरेंस भी, नया पुराना यानी रिन्यूअल भी अगर करवाना है, आपकी एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस, आपका जो एग्जिस्टिंग जो बाइक है उसका एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस है उसका रिन्यू करवाना है तो वो भी करते हैं, राइट। वी हैव अ नेशनल टाई अप विथ
बिगेस्ट जायंट, वन ऑफ द ब्रोकर, इंश्योरेंस ब्रोकर ऑफ इंडिया, उनके साथ हमारा टाइप है। तो वो आपको नया पुराना सब इंश्योरेंस आपको एक ही छत के नीचे वहीं से मिल जाएगा, राइट। साथ में यूज्ड टू, हमने ये भी चीज हमने इंट्रोड्यूस की है बहुत टाइम से, यूज्ड टू व्हीलर का वारंटीज प्रोवाइड करते हैं, यानी 7 साल तक अगर आपकी बाइक पुरानी है, यानी 2014-15 का आपके पास मॉडल है, तो आपका 2014-15 का बाइक का हम 1 साल के लिए वारंटी प्रोवाइड करते हैं, भले ही आपकी बाइक पुरानी हो, राइट। दिस इज अगेन अ यूनिक कंसेप्ट, राइट। वी आर द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया दैट वी पीपल हैव इंट्रोड्यूस दिस वारंटी कंसेप्ट फॉर ओल्ड टू व्हीकल्स, यानी पुराने टू व्हीकल्स का, टू व्हीलर्स का हमने वारंटीज इंट्रोड्यूस किया है। अभी क्यों स्पीड फोर्स करना चाहिए, व्हाई? बिकॉज मैंने शुरुआत में ही बताया कि मार्केट में इतनी सारी सर्विसेज अवेलेबल है कि यू कैनॉट इवन काउंट इट। अगर 36 करोड़ सर्विसेज अवेलेबल है मार्केट में, लास्ट ईयर का फिगर है ये, तो समझ लीजिए उसके सामने कितने मैकेनिक है, कितने आउटलेट है, कितने लोकल गैरेजेस है। अगर वो आप अगर काउंट करें तो आपको अंदाजा लगेगा कि पोटेंशियल इज वेरी हाई। और दूसरी बात, ये बहुत बड़ा, बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बिकॉज ये नीड, एवरीडे नीड का बिजनेस है। पहले क्या था, एक जमाने में सब लोग साइकिल ज्यादा यूज करते थे, लास्ट के 25-30 साल से देखिए तो सबके पास, सबके घर में कम से कम एक टू व्हीलर होगा। सबके पास शायद फोर व्हीलर नहीं मिलेगा, बट 10 में से 9 लोगों को आप मिलोगे तो 10 में से 9 बंदे को, 90% पीपल विल हैव टू व्हीलर, राइट। सो दिस इज द बिगेस्ट ह्यूज अपॉर्चुनिटी एज वेल एज हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस, राइट। और क्यों स्पीड फोर, बहुत सिंपल है। करंट चैनल्स जो है अपनी, दोनों डीलरशिप वर्कशॉप और ये यानी कि मैन्युफैक्चरर्स आउटलेट, उनका और लोकल मैकेनिक का खुद का कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, आई टोल्ड यू वेरी क्लियरली। एंड ऑलवेज जो भी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है मार्केट में, ऑलवेज टेक्नोलॉजी डिमांड्स द ट्रेन मैन पावर एवरीवेयर। नाउ जितने भी नई नई चीजें आ रही है मार्केट में, जितनी भी टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुआ है, नई चीज आ चुकी है, उसके लिए आदमी को ट्रेन मैन पावर चाहिए, आउटलेट को ट्रेन मैन पावर चाहिए। इफ यू आर नॉट हैविंग अ ट्रेन मैन पावर, देन यू कैन नॉट हैव अ सक्सेस इन योर आउटलेट, राइट। एंड मार्केट डिमांड ऑलवेज फॉर न्यू ट्रेन। व्हाई स्पीड फोर्स? बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस, कस्टमर आर ऑलवेज रेडी फॉर स्पेंडिंग देयर मनी फॉर एक्स्ट्रा, और लेट्स से एक्स्ट्रा केयर और सर्विसेज। दीज पीपल आर ऑलवेज रेडी। आई कैन गिव यू क्लासिक एग्जाम्पल कि हम सैनिटाइजर बहुत सालों से यूज कर रहे हैं, बहुत सालों से, राइट। हमको पता था कि सैनिटाइजर का यूज हाथ को स्वच्छ करने के लिए, साफ करने के लिए किया जाता है, राइट। बट आजकल हम 1-1.5 साल से देखते आ रहे हैं कि पेपर जेब में लोग सैनिटाइजर का बोतल लेके घूम रहे हैं 50-100 रुपए का। तो हमको कुछ एक्स्ट्रा केयर कर रहे हैं हम अपने आप का, तो हम वी आर स्पेंडिंग दिस इज एक्स्ट्रा मनी, तो हम वो पैसा खर्च करने के लिए रेडी हो चुके हैं, राइट। तो कस्टमर आर ऑलवेज रेडी टू पे फॉर एक्स्ट्रा केयर। एंड सबसे बड़ी बात, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योर जनरेशन है। आप अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो आप अपना आउटलेट चालू करेंगे तो आप एक एंटरप्रेन्योर बनेंगे, और आपके द्वारा किसी को नौकरी दी जाएगी आपके आउटलेट पे, तो आप अपने एम्प्लॉयमेंट किसी को देके, एक भारत के अपने प्रधानमंत्री जी ने बोला है आत्मनिर्भर भारत की ओर आप एक कदम और बढ़ाएंगे, आत्मनिर्भरता की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए स्पीड फोर्स इज नेसेसरी, राइट। हाउ स्पीड फोर्स वर्क, हम कैसे काम करते हैं? तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो हम करते हैं पोटेंशियल मैपिंग करते हैं एरिया का, फिर वहाँ पे लोकेशन आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगर किसी ने हमारा अप्रोच किया तो हम सीधा लोकेशन आइडेंटिफाई करके प्रोस्पेक्ट से पूरा डिटेल में बात करके पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं, बाद में सीधा प्रोसेस चालू करते हैं। लीगल ड्यू डिलीजेंस करेगा, फिर फाइनेंशियल्स का पूरा डिटेल करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे कितना कैसे इन्वेस्टमेंट होगा, क्या होगा, ठीक है। फिर जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, फॉर्म फॉर्मेलिटीज वगैरह, देन इमीडिएटली विल डू द साइट विजिट। एंड देन जैसे ही साइट विजिट कंप्लीट होती है कि तुरंत हम लेआउट प्रिपेयर करवाते हैं, देन साइट रेडीनेस करेंगे, पूरा साइट रेडीनेस का रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगा। वी स्टार्ट इंस्टॉलिंग ऑल दी यू नो टूल्स एंड मशीनरीज एंड इक्विपमेंट्स, जो भी लगता है वो सब हम इंस्टॉलेशन चालू करते हैं, साथ में बारी बारी साथ में
ब्रांडिंग वगैरह जो लगता है वो सब कुछ कंप्लीट करते हैं। ब्रांडिंग वगैरह कंप्लीट करने के बाद में फाइनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट सबमिट जैसे हमारे पास होता है आ जाता है हेड ऑफिस में, तो आगे आगे तुरंत ही हम मैन पावर रिक्रूट करते हैं, तुरंत ही बंदों का रिक्रूटमेंट करके टेक्निकल स्टाफ एज वेल एज सपोर्ट स्टाफ का रिक्रूट करके उनका ट्रेनिंग चालू करते हैं। देन प्री ओपनिंग मार्केटिंग एक्टिविटीज वगैरह जो होती है, जैसे पेपर इंसर्शन करना, लीफलेट लगाना, बैनर्स वगैरह अलग अलग जगह पे लगाना, होल्डिंग्स वगैरह कई जगह पे लगाते हैं, वो सब कुछ करते हैं। एंड देन फॉलो अप एंड देन सीधा इनोग्रेशन एंड स्टार्टअप करते हैं, सीधा सीधा आपका आउटलेट चालू करते हैं। हाउ स्पीड फॉर वर्क, हम जो काम करते हैं ना, मैंने आपको बताया कि हम कैसे करते हैं वो बता दिया, बट हैंडहोल्डिंग एक्टिविटीज अगर नहीं होती है तो यू विल नॉट हैव अ सक्सेस। तो हैंडहोल्डिंग एक्टिविटी में वी आर वेरी साउंड एंड वेरी पावरफुल। हम ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ऑन जॉब यानी आपकी साइट पे, आपका आउटलेट पे हमारा बंदा ट्रैवल करेगा, टेक्निकल हेड होगा जो भी स्टेट का इंचार्ज है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग टेक्निकल इंचार्ज है, ये पीपल विल ट्रैवल टू योर आउटलेट, वहाँ पे दे विल बी स्टेइंग फॉर मोर देन 3-4 days, 5 days एट योर आउटलेट। दे आर गोइंग टू गिव द ट्रेनिंग प्रोग्राम, थरो ट्रेनिंग प्रोग्राम टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, जो भी आपका मैकेनिक टेक्नीशियन होगा उसको ट्रेन करेगा। देन हम टाइमली विजिट एंड ऑडिट करते हैं बारी बारी, ऑडिटर्स वी हैव अ सेपरेट टीम ऑफ ऑडिट, ऑडिट डिपार्टमेंट है हमारा अलग से। दिस पीपल विल ट्रैवल टू योर आउटलेट एवरी क्वार्टर और सो, जो भी हिसाब से रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से बंदा वहाँ आके ऑडिट करेगा, ठीक है, और फिर हमको वो रिपोर्ट सबमिट करता है। देन वील गिव टेक्निकल सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट इज ऑन गोइंग ऑलवेज 24/7, 365 days टेक्निकल सपोर्ट रहता है, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। ऑनलाइन बोले तो आपका थ्रू वीडियो कॉल या व्हाट्सअप कॉल या कुछ कोई भी हिसाब से एक दूसरे से बात करना है, और ऑफलाइन तो वहाँ जाके किसी भी बंदे को भेज के टेक्निकल ट्रेनिंग सपोर्ट सब कुछ कंटिन्यूसली रहता है। एंड देन वी ऑल्सो टेक कस्टमर फीडबैक, वी हैव अ डेडिकेटेड टीम ऑफ टेलीकॉलर ओवर हियर इट हेड ऑफिस। दिस पीपल आर ऑलवेज यू नो हैविंग अ टारगेट टू कॉल एटलीस्ट 100 people इन अ डे, 100 बंदों को फोन करके वो पूछते हैं, यानी कस्टमर का फीडबैक लेते हैं। देन वील शेयर द कस्टमर फीडबैक विद द आउटलेट ओनर, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। दीज आर अवर सपोर्ट, हम क्या क्या सपोर्ट करते हैं, तो वेरी स्पेसिफिकली आई कैन टेल यू, यू नीड नॉट टू बाई एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट, आपको कुछ मार्केट से कुछ खरीदना नहीं है। टूल्स इक्विपमेंट जितने भी उसके लिए, जो लिफ्ट लगता है, कंप्रेशर है, वॉशर मशीन है, पूरा जो भी प्लग क्लीनर सब कुछ, एवरीथिंग रिलेटेड टू टू व्हीलर हम प्रोवाइड करते हैं आपको। एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर भी कुछ भी बाहर से नहीं खरीदना है। ब्रांडिंग मटेरियल, इंटरनल ब्रांडिंग, फ्रंट फेशिया, सुपर ग्राफिक्स, सब जो लगता है वो सब कुछ हम करते हैं। आगे का फ्रंट फेशिया जो बनाते हैं वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। मैं आगे के स्लाइड में आपको दिखाऊंगा कि हम पूरा फ्रंट फेशिया कैसे बनाते हैं, और हम लगवा भी लेते हैं पूरा, जिसमें आपको कुछ भी आपका इन्वॉल्वमेंट कहीं भी डायरेक्टली नहीं है। पूरी स्टेशनरी हम प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए जॉब कार्ड, बिल बुक, लेटर हेड, जो भी चाहिए वो सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं, विजिटिंग कार्ड, और सबसे खास हम इनविटेशन कार्ड भी हम छपवा के देते हैं आपको, वो भी नहीं करना है, सब कुछ हम बना के छपवा के देते हैं और वहाँ पे पहुँचा देते हैं। मार्केटिंग किट प्रोवाइड करते हैं बकायदा, उसका कैनोपी आता है, उसके बहुत सारे प्रमोशनल मटेरियल्स है, जैसे पेपर इंसर्शन है, वो टैगिंग कार्ड रहता है, वो सब कुछ, देर आर सो मेनी थिंग्स अवेलेबल फॉर मार्केटिंग, ठीक है, वो सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं आपको, उसमें कोई खर्च करना नहीं है। वी हैव अ स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर, ERP सॉफ्टवेयर है, वो हम करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, और साथ में मोबाइल ऐप है, वो मोबाइल ऐप भी हम प्रोवाइड करते हैं, तो आपको उसमें कुछ भी आपकी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए। मार्केटिंग सपोर्ट, तो मार्केटिंग सपोर्ट में वी हैव अ हैंड होल्डिंग एक्टिविटीज फॉर सो मेनी थिंग्स, यू नो, कंटिन्यूस अलग अलग समय में, सीजन के हिसाब से, सीजनलिटी के हिसाब से हम अलग अलग मार्केटिंग एक्टिविटी करते रहते हैं, तो उसका भी आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है, और रेगुलर एक्टिविटीज़ है वो चालू ही रहती है। और ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में मैंने बताया आपको कि ऑनलाइन ऑफलाइन सब टाइप का ट्रेनिंग, यानी आपके यहाँ पे आके भी ट्रेन करते हैं बंदों को। साथ में सबसे बड़ी चीज़ है कि हम जियो आउटलेट ओनर है और जो सपोर्ट स्टाफ रहेगा उनको हम ओपनिंग से पहले
हेड ऑफिस में बुलाते हैं यहाँ पे गुजरात में, उनको बकायदा 4 दिन का ट्रेनिंग सेशन रहता है जिसमें हम प्रैक्टिकल एज वेल एज थियरी सब बताते हैं, सब समझाते हैं ये बिजनेस कैसा है, वो सब कुछ दिखाते हैं। यहाँ पे एक पुराने आउटलेट और एक नए आउटलेट का हम विजिट भी करवाते हैं, उनको पता चले कि आउटलेट कैसे रन करता है, वो हिसाब से हम ट्रेनिंग देते हैं। एंड देन विजिट एंड ऑडिट, रेगुलर विजिट एंड ऑडिटर जो भी है हमारे वो विजिट करेंगे, आपके यहाँ पे आएंगे और पूरा बकायदा वन बाय वन एवरीथिंग हर चीज का ऑडिट होगा, राइट। 2020 का साल की बात करें, 2020 का, तो इट वॉज अ वेरी टफ ईयर यू नो सबके लिए। बहुत सारे बंदों ने अपने जॉब गवाई, बहुत सारे बंदों ने अपने बिजनेस शायद बंद करने पड़े या बिजनेस में थोड़ा कम हो गया प्रॉफिट, या समझ लो कि बहुत नुकसान भी हुए हैं। बट ये साल 2020 का हमारे लिए स्पीड फोर्स का रहा, ये बता सकते हैं। हमने 3 नई ऑफिसेस चालू की इंडिया के अंदर, 7 नए हमारे साथ मेन मैनेजमेंट यानी एक लेवल के बंदे हमारे साथ जुड़े लास्ट ईयर, 7 new people, राइट। वी हैव ऑलरेडी एडेड मोर देन 20 people इन अवर टीम, स्पेसिफिकली 37 बंदों को, नए बंदों ने हमारे साथ काम करना चालू किया लास्ट ईयर। 35 से ज़्यादा हमने लास्ट ईयर आउटलेट खोले, राइट, 35 से ज़्यादा, राइट, आउटलेट खोल चुके हैं हम लास्ट ईयर। 30 से ज़्यादा सिटी में हमने अपना प्रेजेंस दर्ज किया, 30 से ज़्यादा नए सिटी में हम आ चुके थे, 16 से ज़्यादा हमने नई स्टेट लॉन्च किए। प्रिसाइसली मैं बताऊँ तो अभी हम 26 स्टेट में हमारा प्रेजेंस है, 26 स्टेट में, और विथ प्राउडली आई कैन से वन थिंग, फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी, इफ़ यू ट्रैवल फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी, यू विल हैव एटलीस्ट वन आउटलेट इन ईच एंड एवरी स्टेट, इन ईच एंड एवरी स्टेट, राइट। तो हर एक स्टेट में हमारा एक आउटलेट मिनिमम आपको दिख जाएगा। अवार्ड्स हमको 5 से 6 अवार्ड नए मिले लास्ट ईयर, राइट। 3 सर्विसेज नई लॉन्च की और 100+ को हमने क्रॉस किया आंकड़े को। 31 दिसंबर को हमने 101 नंबर को क्रॉस किया था लास्ट ईयर, 31 दिसंबर को वी टच 101, वी क्रॉस 100 नंबर्स, वी टच 101। तो दिस वॉज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट फॉर द कंपनी। तो 2020 का साल स्पीड फोर्स का रहा है, राइट। हम आगे, व्हाट्स वे फॉरवर्ड, आगे हम क्या करना चाहते हैं, तो हमारा फोकस पान इंडिया मार्केट में है। वी आर टारगेटिंग मेट्रो एंड 2 tier सिटीज, राइट, एंड 300 फ्रेंचाइजी का हमारा लक्ष्य है 31 दिसंबर तक का। और कोई डाउट नहीं है, वो हम डेफिनेटली क्रॉस कर लेंगे। और ये वेबिनार की शुरुआत में ही अशोक जी ने जो बताया कि इट इज इंडियाज ओनली इंटरनेशनल ब्रांड, इट इज इंडियाज ओनली इंटरनेशनल ब्रांड दैट वी पीपल आर हैविंग ऑलरेडी 3 एग्जिस्टिंग आउटलेट इन द फॉरेन कंट्री, वी हैव इन नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश, वी आर वेरी सून वी आर कमिंग इन श्रीलंका एंड सम ऑफ द कंट्रीज ऑफ साउथ अफ्रीका, वेरी सून वी विल बी इवन ग्लोबली, पूरा इंटरनेशनली भी हम एक्सपांड करने जा रहे हैं। और पान इंडिया में हमारा ऑलमोस्ट हर जगह पे प्रेजेंस है। दीज आर आवर ऑफिशियल पार्टनर्स फॉर यू नो स्पेयर पार्ट एंड एनीथिंग रिलेटेड टू 2-wheeler स्पेयर पार्ट्स एंड उसका कोई भी चीज का है। तो वी हैव अ ब्रांड टाई अप विद यूनो मिंडा, इट्स अ लार्जेस्ट यू नो 2-wheeler स्पेयर पार्ट प्रोवाइडर कंपनी इन इंडिया। एंड फॉर ल्यूब्स वी हैव अ टाई अप विद कैस्ट्रोल, कैस्ट्रोल के साथ ब्रांड टाई अप है। वी हैव अ इंश्योरेंस पार्टनर, इट्स अ बिगेस्ट इंश्योरेंस ब्रोकर इन इंडिया, मींस रिन्यू बाय, ठीक है, फॉर सॉफ्टवेयर एंड एवरीथिंग वी हैव मेट्रिक सॉल्यूशंस इज अवर पार्टनर। एंड फॉर यूज्ड 2-wheeler वारंटीज वी हैव CWI, कॉर्पोरेट वारंटी ऑफ इंडिया, इज अवर बिगेस्ट पार्टनर, राइट। सो दीज आर अवर सम ब्रांड पार्टनर्स, दीज आर अवर फुटप्रिंट्स, ऑलमोस्ट यू कैन फाइंड इट आउट, यू विल हैव ईच एंड एवरी स्टेट यू विल हैव वन ब्रांच ऑफ स्पीड फोर्स, राइट। दीज आर सम फोटोग्राफ्स ऑफ अवर आउटलेट, यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रांडिंग जो दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, ये सब हमने किया है। ये जो लिफ्ट है वो भी हम प्रोवाइड करते हैं, ये जो टेबल दिया दे रखा है आप देख रहे हैं चित्र के अंदर, ये जो टेबल है पूरा वो भी हम प्रोवाइड करते हैं, वो स्पेशल डिजाइन टेबल है, वो हम सब प्रोवाइड करते हैं। ये देखिए आप
तारा ऑटोमोबाइल, मैंने आपको बोला कि हम फ्रंट फेसिया हम बना के देते हैं। देखिए इतना बड़ा ये तारा ऑटोमोबाइल इट्स इन रांची, ये देखिए ये इतना बड़ा हमने बना के दिया है फ्रंट फेसिया, वो भी हम बना के देते हैं, आपको कुछ उसमें इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, दीज आर सम अदर फोटोग्राफ्स, आप देखिए ये जो है वो बैटरी चार्जिंग मशीन है पूरा, ठीक है, इसके पास में पेडेस्टल पड़ा है, ये सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं, ये ब्रांडिंग भी हम करके दिया। ठीक है, यू विल फाइंड इट आउट, ये पूरा स्पेयर पार्ट एंड ऑयल का रूम है, देखिए आप इस तरीके से पूरी बनावट होती है, मीन्स बनाया जाता है। ठीक है, दीज आर सम यू नो पेपर कटिंग्स, ये प्रेस रिलीजेज हुई थी लास्ट ईयर, वी हैव स्टार्टेड वन ब्रांच, फर्स्ट ब्रांच इन हैदराबाद, तो ये उसका प्रेस रिलीज है, देखिए यू कैन सी इट, ये पूरा हमने बना के दिया है, ये आउटलेट आप देख सकते हैं। ठीक है, दीज आर सम एक्टिविटीज, आई टोल्ड यू वी हैव मार्केटिंग सपोर्ट, आपको जो मार्केटिंग एक्टिविटीज है वो हम सपोर्ट करते हैं, वी आर ऑफिशियल एंड ब्रांड पार्टनर ऑफ बड़ौदा पुलिस हियर इन गुजरात, बड़ौदा पुलिस के ब्रांड पार्टनर है, एवरी वेयर ईच एंड एवरी स्टेट आर ऑलवेज सेलिब्रेटिंग सेफ्टी अवेयरनेस वीक। ठीक है, तो पुलिस डिपार्टमेंट का सेफ्टी अवेयरनेस वीक के वी हैव अ यू नो ब्रांड पार्टनर बड़ौदा पुलिस एंड उनके साथ हमने एक्टिविटी की है और करते रहते हैं लास्ट के 4 साल से, तो ये उसके थोड़े फोटोग्राफ्स है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि कोई कॉरपोरेट कंपनी के अंदर हमने हेल्थ चेकअप कैंप टू व्हीलर का लगाया था, ये उसके चित्र है, तो वी गॉट लॉट्स ऑफ डेटा और वहाँ हमने बहुत सारी AMC भी बिकवाई अपने स्टाफ से, अपने एम्प्लॉय से, और उसका सीधा सीधा फायदा आउटलेट ओनर को हुआ। ये सब अलग अलग एक्टिविटीज है, ये देख सकते हैं आप, ये PUC आपको येलो बोर्ड में दिख रहा है, तो वी हैव ऑलवेज डूइंग सम डिफरेंट एक्टिविटी। तो ये टू व्हीलर का प्रदूषण जांच का यानी PUC का जो हमने कैंप लगाया था, इट्स इन पूना, वो इट वॉज इन पूना, ये पूना का था, तो पूना में ये हमने एक्टिविटी की थी। ऐसी अलग अलग एक्टिविटीज ऑलवेज सब जगह कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं और वो चालू ही रहता है एक्टिविटीज। ये देखिए प्री ओपनिंग का कभी कभी एक्टिविटीज में, जैसे इफ इट इज इन नॉर्थन इंडिया, नॉर्थन साइड पे है, UP बिहार झारखंड उत्तराखंड, तो वहाँ पे ज्यादातर लोग वो जो रिकॉर्डेड मैसेज घुमाते हैं रिक्शा में, जो घुमाते हैं रिकॉर्डेड मैसेज वो है रिक्शा वाला, वो 6-7 दिन वो हम घुमाते हैं प्री ओपनिंग एक्टिविटीज में। ये आपको होर्डिंग दिख रहा है, कोई कोई स्टेट में ऐसा होता है, कोई कोई जगह पे ऐसा होता है कि होर्डिंग ही ज्यादा आई कैची रहता है, यानी होर्डिंग ज्यादा इफेक्टिव रहता है, तो हम वहाँ पे होर्डिंग लगाते हैं, जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मार्केटिंग एक्टिविटीज करते हैं। ये देखिए जैसे आपको राइट हैंड साइड पे जो नीचे दिख रहा है गणेश उत्सव, राइट, तो गणेश उत्सव में ये बम्बई का बनाया हुआ है, बम्बई का है ये, लास्ट ईयर लास्ट टू लास्ट ईयर ये बम्बई का जो गणेश उत्सव हुआ था उसमें हमने ये पूरा पांडाल क्रिएट करके दिया, ऑफकोर्स आउटलेट ओनर के साथ मिलके, तो ये पूरा ये बनाया हुआ है पांडाल, तो ये सब एक्टिविटीज अलग अलग करते रहते। दीज आर सम यू नो प्रेस रिलीजेस, ये बहुत सारा आप देख सकते हैं कि प्रेस रिलीजेस आया हुआ है बहुत सारे भारत के गणमान्य पूरे बड़े न्यूज़पेपर्स में, बहुत फेमस न्यूज़पेपर में सब जगह पे ये हमारे प्रेस रिलीजेस आए हैं। दीज आर द अवार्ड्स, वी वन सो मेनी अवार्ड्स, जब से हमने फ्रेंचाइजिंग करना चालू किया तब से हम बहुत सारे अवार्ड जीत चुके हैं, स्टार्टअप इंडिया, वाइब्रेंट गुजरात, वाइब्रेंट इंडिया, सब बहुत सारे अवार्ड्स हमको मिल चुके हैं, ये आपके सामने है। ठीक है, ये हम लास्ट लास्ट ईयर वी गॉट जी स्मॉल बिजनेस अवार्ड हमको मिला था, ठीक है, विथ एसोसिएशन विथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ, तो वी गॉट द अवार्ड ऑफ जी स्मॉल बिजनेस अवार्ड, वो हमको मिल चुका है लास्ट ईयर। एंड आई टोल्ड यू दैट इट्स इंडियाज लार्जेस्ट यू नो फर्स्ट इंटरनेशनल ब्रांड एंड लार्जेस्ट टू व्हीलर मल्टी ब्रांड फ्रेंचाइजी नेटवर्क, या वी हैव ऑलमोस्ट 140 ब्रांच राइट नाउ ऑपरेटिंग कंडीशन इन ऑपरेटिंग कंडीशन इन इंडिया, 140 ब्रांच इंडिया में है अभी कार्यरत है, तो नेटवर्किंग का बहुत बड़ा फायदा होता है। ठीक है, दीज आर सम अवार्ड्स व्हाट विच वी हैव ऑलरेडी वन, राइट। अभी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो नाउ व्हाट विल बी द इन्वेस्टमेंट ब्रेकअप, दिस इज वेरी क्लियर, वेरी चीप, बहुत कम खर्चे में आप एक अपना बहुत बढ़िया आउटलेट चालू कर सकते हैं। जैसे फ्रेंचाइजी फीस हम ले रहे हैं 1 लाख रुपीज, टूल्स,
मशीनरी इक्विपमेंट जितना भी उसका ट्रांसपोर्टेशन उसका इंस्टॉलेशन वो सब मिला के भी चार्ज ओनली 3.5 लाख रुपीज 3.5 लाख रुपए पूरा फ्रंट फेशिया, जैसे मैंने आपको दिखाया चित्र में फ्रंट फेशिया इंटरनल सुपर ग्राफिक्स पूरा इंटरनल ब्रांडिंग जो भी उसका खर्चा लगता है वो हम ही करते हैं, वो 1 लाख रुपए होता है। स्टेशनरी ट्रेनिंग ऑडिट सॉफ्टवेयर मॉनिटरिंग उस सब का हम सिर्फ 1 लाख रुपए लेते हैं। मार्केटिंग सपोर्ट एंड डेवलपमेंट, जैसे आई टोल्ड यू कि जैसे डेवलपमेंट में वी आर ऑलरेडी प्रोवाइडिंग द किट फॉर BS6 एंड अबव, ये अपना फ्यूल इंजेक्टर वाला गाड़ी के लिए वो करते हैं, वो डेवलपमेंट की चीज़ हमें आ गई। दूसरा बहुत सारी जगह पे हमने मध्य प्रदेश में MP में UP में बिहार में बहुत सारे नॉर्थन स्टेट में और इवन साउथ में हैदराबाद में बेंगलोर में बहुत सारी जगह पे चार्जिंग स्टेशन लगाए हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड गिविंग चार्जिंग स्टेशन, तो ये डेवलपमेंट में आता है तो उसका एक हम 1 लाख रुपये लेते हैं, राइट। तो टोटल होता है 7.5 लाख रुपये प्लस आपका GST लगता है, दैट इज ऑफ 18%। तो ये इन्वेस्टमेंट की बात हो गई, तो इन्वेस्टमेंट कर लिया सर, बट किसी को क्वेश्चन होगा कि देन व्हाट विल बी द रिटर्न, मुझे फायदा क्या, मुझे इनकम कितनी होगी। तो इनकम के लिए आपके सामने ये मैं दिखाने जा रहा हूँ, इट इज द ओनली बिजनेस इन विच यू विल हैव अ टू इनकम, वन इज डायरेक्ट इनकम एंड वन इज इनडायरेक्ट इनकम। और ये आपके स्क्रीन पे जो आंकड़े दिख रहे हैं ये कहीं से गूगल किए हुए नहीं है, किसी का कॉपी मारा हुआ नहीं है। हमारे जितने भी अभी एग्जिस्टिंग 140 ब्रांचेस है उसमें से एवरेज निकाला हुआ फिगर है। हमने सिर्फ काउंट किया है कि अगर एक दिन में आपके आउटलेट पे, ये एक साल का एवरेज निकाला हुआ है, एक साल का एवरेज है, एक दिन में अगर आपके आउटलेट पे 10 बाइक आती है तो 10 बाइक में अगर आप इफ यू आर चार्जिंग 300 रुपीज फॉर सर्विस, सर्विसिंग का 300 रुपए अगर आप चार्ज करते हो तो विल गेट 3000 रुपीज, ठीक है, मोटा मोटा 3000 रुपये दिन में उसमें मिलता है। उसमें से सिर्फ अगर मैं 7 गाड़ी का ऑयल टोटल चेंज करता हूँ, 7 गाड़ी का मैं ऑयल चेंज करता हूँ तो आई विल गेट अराउंड 700 रुपीज, 30-35% उसमें मार्जिन है ऑयल में, राइट। स्पेस में वही चीज़, मैं मान लीजिए मैं पूरा दिन में 10 गाड़ी का स्पेस में कुछ थोड़ा बहुत छोटा मोटा चेंज करता हूँ ऑन एवरेज, इफ आई एम गेटिंग 400 रुपीज तो अराउंड उसका भी 30-35% का मार्जिन पकड़ता हूँ मैं एवरेज, ये कम पकड़ा है सब चीज़, तो उसका 1200 रुपीज अराउंड यू विल गेट इट इन अ डे, राइट। अगर मैं एक्स्ट्रा लेबर छोटा मोटा काम में करवाता हूँ, जैसे किसी का हॉर्न खराब हो गया या किसी का लाइट नहीं ठीक से चल रहा है, तो अभी मिनिमम 40-50 रुपये तो कोई भी बंदा लेता है, तो वो मैं सिर्फ वो 50 रुपये काउंट करता हूँ दिन का तो एक गाड़ी का, तो अराउंड आई विल गेट अराउंड 500-600 रुपीज इन अ डे इजिली। और मेजर जॉब यानी एक्सीडेंट वाला टू व्हीलर आ गया या कोई इंजन का काम वाला गाड़ी आ गया तो यू विल गेट इट अराउंड 5000 रुपीज, बट ये रोज नहीं आता है, ये 3-4 दिन में एक बार ऐसा गाड़ी आता है, रोज नहीं आता है। तो इसलिए मैंने 0.3 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो टोटल आपको 600-650 रुपये के आसपास दिन का उसका इनकम हो जाता है, ये हुआ डायरेक्ट इनकम। नाउ जो भी वेस्ट ल्यूब निकलता है, जो भी वो वेस्ट ल्यूब जो है वो भी बहुत बहुत जगह पे इंडिया पे मार्केट में बिकता है, 24-25 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से वो मार्केट में बिक जाता है। और जो भी स्पेयर पार्ट चेंज करते हैं हम, नया डालते हैं या जो रिपेयर करने के दौरान अगर वो चेंज किया तो वो जो बचता है पुराना पार्ट्स वो स्क्रैप में जाता है, उसका भी इनकम होता है, स्क्रैप वाला आके लेके जाता है, राइट। तो ये हो गया आपको दो इनकम, डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट, राइट। अभी हम इनकम की बात कर लिया तो आपको लगेगा सर उसके सामने खर्चा भी होता है, तो ये जो मैंने खर्चा दिखाया है आपको वो हायर साइड है। खर्चा जो है वो अगर मैं कोई भी, ये एवरेज निकाला हुआ है, कोई भी जगह का रेंट, अगर मेरा खुद का जगह नहीं है मैं रेंट पे लिया तो रेंट मैंने 30,000 पकड़ा है, दैट इज ऑन हायर साइड, राइट। सैलरी 3 बंदों का सैलरी पकड़ा है, व्हाट वी वांट स्किल्ड मैकेनिक, वन स्किल्ड मैकेनिक, वन सेमी स्किल्ड एंड वन हेल्पर, उसका 35,000 सैलरी पकड़ा है। वो 35,000 रुपीज इतना होता नहीं है, 20 से 25 हजार के बीच में तीनों का सैलरी और सब आ जाता है, बट वो भी हायर साइड पकड़ा है 35,000। इलेक्ट्रिसिटी एंड मिसेलिनियस एक्सपेंसेस मेंटेनेंस का जो खर्चा होता है, कोई टूट गया, कोई छोटी मोटी कोई तकलीफ हो गई, नुकसान हो गया, उसका 15,000 पकड़ा है, दैट इज ऑन वेरी हायर साइड, राइट।
टैक्सेस यानी जो भी टैक्स वगैरह लगता है, कोई बड़ा सिटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स लग गया, ठीक है, और साथ में मैं अपने एम्प्लॉय को कुछ इंसेंटिव दे रहा हूँ, सपोर्ट स्टाफ एज वेल एज टेक्निकल स्टाफ को, और वेलफेयर की थोड़ी बहुत एक्टिविटी करता हूँ, तो उसका मैं 15,000 रुपीज पकड़ लिया हायर साइड। एंड सपोज इफ आई मैंने कुछ लोन वगैरह कुछ लिया है 10-12 लाख रुपए का, मान लीजिए मैंने डायरेक्ट ऐसा लोन लेके काम चालू किया, तो उसका भी ईएमआई पकड़ा, दैट विल बी 15,000 रुपीज। तो टोटल अगर मैं ये सबका मंथली एक्सपेंस निकालूं तो इट वुड गिव मी अराउंड 1,10,000 का खर्चा। मैंने आपको सामने अगले वाली स्लाइड में जो दिखाया था, जो इनकम डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट, उसका अगर मैं पूरा मंथली कैलकुलेट करूं तो इट वुड गिव मी अराउंड 1,80,000 के आसपास वो मुझे देता है। तो अगर देखो तो मेरा नेट प्रॉफिट 70,000 रुपीज का बनता है, सब खर्चे सब कुछ निकालने के बाद। तो ये होता है प्रॉफिट, 70,000 का प्रॉफिट कहीं गया नहीं, आपके पास ही होता है, राइट। अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं, मैंने आपको प्रॉफिट दिखा दिया 70,000 के आसपास का, 70-80,000 का प्रॉफिट होता ही होता है। अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं, कोई बोलेगा बंदा कि भाई सर बहुत सारी ऐसी चीजें अवेलेबल है जिसमें प्रॉफिट बहुत है, बहुत ज्यादा है। अभी ज्यादा से ज्यादा मार्केट में क्या चलता है, सबसे अच्छा अभी चलता क्या है, रिटेल चलता है, फूड एंड बेवरेजेस चलता है, और ज्यादा से ज्यादा ऑटोमोबाइल है, रिटेल फूड बेवरेजेस एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर, राइट। तो अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो रिटेल में, फूड बेवरेजेस में यानी हॉस्पिटैलिटी और फूड बेवरेजेस में इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई, वेरी वेरी हाई, एंड इट इज वेरी लो इन टू व्हीलर इंडस्ट्री, राइट। स्टॉक और इन्वेंटरी की बात करें, यू नो नेवर नो फूड एंड बेवरेजेस में कौन बंदा कब कौन सी चीज मांग ले, तो आपको स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। इवन इन रिटेल कौन सा आदमी कौन सी चीज कौन सा स्टॉक कब क्या मांग लिया, यू डोंट नो, आपको सब कुछ स्टॉक इन्वेंटरी मेंटेन करनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी, उसके लिए ज्यादा खर्चा होता है, राइट। बट यहाँ पे टू व्हीलर इंडस्ट्री में वो बहुत कम है, स्टॉक इन्वेंटरी बहुत लो मेंटेन करनी है, कुछ ज्यादा उसमें करना नहीं होता है। ओवरहेड एक्सपेंसेस दोनों जगह बहुत हाई होता है, अपने यहाँ बहुत कम या मीडियम है, ठीक है। सीजनल इफेक्ट इसमें कुछ है ही नहीं, इट्स रिसेशन फ्री बिजनेस, इसमें कोई सीजनल इफेक्ट आती ही नहीं है, राइट। और बाकी दोनों जगह पे सीजनल इफेक्ट इज वेरी हाई। हाँ, कोरोना काल में सब रेस्टोरेंट बंद हो गया, कोरोना काल में बहुत सारे मॉल्स बंद हो गया, तो उनका बिजनेस ठप हो गया, बंद कर देना पड़ा, बट एक भी आउटलेट आप देखिए, एक भी टू व्हीलर का आउटलेट बंद नहीं हुआ है। इवन व्हाट वी हैव डन स्पीड फोर्स के माध्यम के द्वारा हमने क्या क्या किया था, बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे स्टेट में हमने गवर्नमेंट का अप्रोच किया और बताया कि सर वी पीपल वॉन्ट टू गिव दी सर्विसेज टू कोरोना वॉरियर्स, हमको कोरोना वॉरियर्स को सर्विसेज देनी है। तो हंसते हंसते हम उन लोगों ने परमिशन दिया स्पीड फोर्स को स्पेशली, कि जितने भी डॉक्टर्स नर्स सफाई कर्मचारी है पुलिस कर्मी है उन सबको हमने सर्विसेज दी टू व्हीलर का। तो पूरी दुनिया बंद थी, पूरा मान लीजिए शहर पूरा बंद था, बट स्पीड फोर्स का आउटलेट चालू था, तो इसमें कोई सीजन की इफेक्ट भी नहीं आ रही है। कंज्यूमर नीड यह भी डेली नीड हो गई है, यह भी डेली की नीड हो गई है। पहले सब लोग साइकिल के पे या चल के जाते थे, अब गली के नुक्कड़ पे भी जाना है ना तो भी टू व्हीलर लेते आए बंदा, गली के नुक्कड़ पे जाके बात करनी है तो भी बंदा टू व्हीलर लेके ही जाता है, कोई चल के नहीं जाता है, चल के जाने का फैशन हो गया। वो बोला सूर्य वो मॉर्निंग वॉक में चल के जाते हैं, राइट। आप देख लीजिए मॉर्निंग वॉक में चल के जाएगा, 1.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर मीन जाएगा भागेगा, बट जैसे 8-9 बजे के बाद में जो काम चालू होता है तो सबको टू व्हीलर चाहिए, बोला इतना कौन चलेगा, राइट। ये कंज्यूमर नीड का विषय है। प्रॉफिटेबिलिटी आई टोल्ड यू इट्स वेरी हाई, वेरी वेरी हाई। तो कंपेरिजन देखें तो ऑटोमोबाइल इज द बेस्ट इंडस्ट्री राइट नाउ। अभी अब बात करें फ्रेंचाइजी अपॉइंटमेंट की, तो वी हैव अ वेरी सिंपल प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू, व्हाट आई मीन टू से, वी आर गोइंग टू गिव दी वन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और विथ ऑल KYC डॉक्यूमेंट्स, आपको 1,00,000+ अपना GST यानी 1,18,000 का RTGS करवाना है कंपनी अकाउंट में, नथिंग एल्स। उसके बाद में तुरंत ही हम लेटर ऑफ इंटेंट जनरेट करते हैं, LOI, राइट। LOI जैसे ही जनरेट होता है कि तुरंत हम आपका जो लोकेशन होगा वहाँ पे विजिट करवाएंगे कंपनी के एम्प्लॉय की, और तुरंत ही हम लेआउट प्रिपेयर करके बाकी का जो साइट वर्क वगैरह जो करता है करना होता है वो सब कंप्लीट करेंगे,
और फिर आपका जो जो भी पेंडिंग पेमेंट होगा वो हम कलेक्ट करवा के वेंडर को पूरा पेमेंट वगैरह कर देंगे, जो भी वेंडर से, अलग अलग वेंडर से, जैसे मशीनरीज के अलग होंगे, अपना ब्रांडिंग के लिए अलग हुए, उनका पेमेंट करवा देंगे, और तुरंत ही बाकी का जो बचता है वो फाइनल पेमेंट करवा के हम सीधा सीधा इंस्टॉलेशन, मशीनरी का इंस्टॉलेशन, ब्रांडिंग, वो सब कुछ करवा के, कंप्लीट करवा के हमको एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिलता है कि तुरंत हम बंदा रिक्रूट करेंगे आपके लिए, टेक्निकल एज वेल एज सपोर्ट स्टाफ, वो रिक्रूट करके उनको ट्रेनिंग चालू कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे ट्रेनिंग, उसके बाद में तुरंत जो भी कुछ पेंडिंग बचता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह या कुछ भी प्रोसेस में, वो कंप्लीट करने के बाद में सीधा LOA जनरेट करते हैं, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, और जैसे ही लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट जनरेट करते हैं तो उसके 4 या 5 दिन के बाद आपका जो एक निश्चित तिथि डिसाइड की होती है, निश्चित डेट डिसाइड की होती है, वो डेट पे इनोग्रेशन करते हैं और हम अपना स्टार्टअप करते हैं, काम चालू करते हैं। तो इतना सिंपल स्टेप्स है, राइट। ये है हमारी फिनफोर्स की टीम आपके सामने, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अगर देखें तो यू विल हैव मिस्टर कपिल भिंडी, राइट, ही इज लुकिंग आफ्टर सेल्स एंड मार्केटिंग ऑलमोस्ट ऑल द ऑपरेशंस ऑफ फिनफोर्स। उसके बगल में जो खड़े है, ही इज मिस्टर अशोक शाह, ही इज अवर टेक्निकल हेड एज वेल एज फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड टेक्निकल, वो सब कुछ वो संभालते हैं। आपको सब चित्र में सबसे बीच में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, इज मिस्टर दीपेन बाराई, ही इज लीजेंड, ही इज यू नो हैविंग कमांड इन नेटवर्किंग एंड ऑलमोस्ट ऑल द ऑपरेशंस ऑफ स्पीड फोर्स, राइट। उसके बगल में जो खड़ा है इज मिस्टर मिस्टर राजेश, इज फ्रॉम साउथ, ठीक है, इज फ्रॉम साउथ एंड ही इज लुकिंग आफ्टर ऑलमोस्ट ऑल द ऑपरेशंस ऑफ साउथ, राइट। मिस्टर राजेश राजकिशन, मिस्टर राजेश राजकिशन, ही इज लुकिंग आफ्टर ऑलमोस्ट ऑल द ऑपरेशन ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। उसके बगल में मैं खड़ा हूँ, मैं पूरा सेल्स एंड मार्केटिंग, आफ्टर सेल सर्विसिंग, AMC डिपार्टमेंट, ट्रेनिंग, वो सब कुछ मैं देखता हूँ। तो ये 5 बंदे आपको चित्र में दिखते हैं, दूसरे और 3 बंदे 4 बंदे हैं, जैसे वन इज मिस्टर नीरव भट्ट, इज लुकिंग आफ्टर इंटरनेशनल ऑपरेशन एज वेल एज ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया और बहुत सारा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया का सेल्स देखते हैं। एंड वन इज मिस्टर रंगराजन, इज लुकिंग आफ्टर साउथ इंडिया, इज हेल्पिंग टू मिस्टर राजेश राजकिशन जी, उनको हेल्प करते हैं। एंड वन इज मिस्टर BM कोहली, अगेन ही इज फ्रॉम साउथ, वो भी राजकिशन जी को हेल्प करते हैं डिटेल में। तो ये हमारी पूरी टीम है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा आज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी डिस्कस की कि जिसमें हम डेफिनेटली मीन्स अ ह्यूज पोटेंशियल है और बहुत बड़ा मीन्स आप प्रॉफिट यू नो कर सकते हैं, बना सकते हैं, और आपका फ्यूचर इसमें बहुत ब्राइट रहेगा, क्योंकि ये एक ही ऐसा बिजनेस है जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, ये एक ही ऐसा बिजनेस है जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, ना बंद हुआ है कहीं पे भी। तो ये हमारी ओर से, स्पीड फोर्स की ओर से आज के दिन के लिए ये हमारा प्रेजेंटेशन था। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, नमस्कार। एंड नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन